सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है ग्लोब तथा मानचित्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल, चपटी या तश्तरी की तरह? तो आपसे पूछा हुआ है बच्चों, तो हमारी पृथ्वी कैसी है? आप सभी को पता है कैसी है हमारी पृथ्वी? तो देखिए, पढ़ लेते हैं पहले हम। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। देखिए, इस टाइप की है, ठीक है। पृथ्वी के इस आकार को भूआब कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी का ये चपटापन उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर नाक के बराबर है, बिल्कुल थोड़ा सा है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है, देखने में गोल लगती है, जबकि उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर से थोड़ी सी चपटी है। अच्छा, विषुवतीय व्यास कितना है इसका? 12,756 किलोमीटर लगभग। ध्रुवीय व्यास है बच्चों 12,714 किलोमीटर लगभग, बताया इतना इतना अंतर, 42 किलोमीटर है लगभग दोनों में, ठीक है, दोनों व्यास में। आप देखिए, यहाँ पर टूटी हुई रेखाएं पृथ्वी के वास्तविक आकार को दर्शाती हैं। वास्तविक आकार को देखिए, बिल्कुल गोल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये वाला जो शेप है, ठीक है, ये इसका वास्तविक आकार है, थोड़ी इस टाइप से है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। तो अब यहाँ पर एक ग्लोब की पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको, ठीक है, ये जिसमें ये अक्ष बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल जैसी पृथ्वी है ऐसे ही प्रतिरूप है, बस बिल्कुल छोटा करके लघु रूप में इसे दिखाया गया ग्लोब के थ्रू। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले ग्लोब होते हैं, गुब्बारे वाले ग्लोब होते हैं बच्चों, बहुत बड़े आकार के ग्लोब होते हैं इत्यादि। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये एक काल्पनिक सुई होती है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अच्छा, गतिविधि क्या करनी है आपको? फर्स्ट नंबर पर एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो देखिए बच्चे, जब हम एक ग्लोब को देखते हैं तो बेसिकली हमें क्या दिखाई देता है, हमें कुछ महाद्वीप दिखाई देते हैं और महासागर दिखाई देते हैं, तो ठीक है, आप लिख लेंगे। आप देखिए, ये लिख लीजिए, हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी तरह यहाँ 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। आप ये लाइन लिख देंगे कि पृथ्वी को देखने पर या ग्लोब को देखने पर हमें महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं, ठीक है, और फिर आप उनके नाम लिख देंगे ये, ठीक है। ये यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, पूरा ये आप यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस एक लाइन आपको अपने आप लिखनी है कि क्या लिखनी है, कि उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। अगर हम ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें हमें महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए, वो लिख लेंगे आप। अब नेक्स्ट है बच्चों, दिए हुए संकेतों के विभिन्न आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब में अंतर बताएं। ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ये संकेत दिए हुए हैं, गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं है, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, भूआब। देखिए यहाँ पर ये हमें फिल करना था आधार, ठीक है, अर्थ, पृथ्वी का अर्थ लिख दिया हमने, ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ग्लोब का अर्थ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे हम यहाँ पर, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, आकार पृथ्वी का लिख देंगे भूआब, ठीक है, ग्लोब का लिख देंगे गोलाकार, काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के में कॉलम में लिखेंगे, कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, ग्लोब के कॉलम में लिखेंगे, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अच्छा, अब नीचे देखते हैं,
ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं जैसे भारत, दिल्ली, हमारा क्षेत्र आदि, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग या चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक भौतिक मानचित्र होते हैं, एक राजनीतिक मानचित्र, तीसरे थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अब गतिविधि दो में क्या करना है बच्चों, आपको ग्लोब तथा मानचित्र में समानताएं तथा अंतर बताइए। तो आपको समानताएं तथा अंतर बतानी है, तो आप लिख देंगे ग्लोब और मानचित्र में समानताएं, ये एक्टिविटी टू है। ठीक है, वन मैंने आपको भी बता दी, महासागर और महाद्वीपों के नाम लिख लेना, ये टू है। इसमें आप लिखेंगे समानताएं, लिखेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट डालकर, ये दूरियों, दिशाओं, कोमा लगा लेंगे, क्षेत्रों आदि का वितरण करके पूरी दुनिया का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सटीक अवतार में दर्शाते हैं। दोनों की बात हो रही है, ठीक है, ग्लोब और मानचित्र में जो समानता है। अब ग्लोब और मानचित्र में अंतर, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ग्लोब त्रिविमीय प्रदर्शन होता है, मतलब 3D, जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विविमीय प्रदर्शन होता है, 2D। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मानचित्र से मिली जानकारी ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा सटीक होती है। तो ये लिख देंगे आप इतना एक्टिविटी टू में, एक्टिविटी वन में आपको ये लिखना ही था। ठीक है, तो ये आपको ये टेबल बनाकर ऐसे पृथ्वी और ग्लोब के बारे में लिख देना है। ठीक है, पूरी टेबल बनानी है, बस इसमें इतना ही करना था इस वर्कशीट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।